नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के मालनीबिल क्षेत्र में 16 साल के लड़के की हत्याकांड की वारदात को लेकर AIDSO छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस सुपर के कार्यालय के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन। विभिन्न दफा मांगों को लेकर NF रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया विक्षोभ रैली, कई क्षेत्र का परिक्रमा कर राज्य व केंद्र सरकार से मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। करीमगंज जिले के ब्राह्मण शासन गांव में कई संगठन कार्यकर्ताओं ने टेट के इम्तिहान केंद्र करीमगंज जिले में आयोजित किए जाने का किया मांग, समस्याओं के बारे में दिया जानकारी। आने वाले 17 सितंबर को बराक घाटी के सभी स्तर के लोगों को मेगा वैक्सीन कैंप में भाग लेने के लिए कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने किया अपील, सभी स्तर के लोगों के सुस्वास्थ्य का किया कामना। उदालपुर विधानसभा केंद्र में असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक वीर कांति सोम को दिया गया संवर्धना, इलाके के उन्नयन में हर प्रकार के सहयोग किए जाने का किया गया अपील। अब समाचार विस्तार से। छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के पुलिस सुपर के कार्यालय के सामने हाल ही में मालिनीबिल क्षेत्र में हत्याकांड के साथ जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के साथ साथ उनकी फांसी दिए जाने की मांग पर धरना विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन महिला संगठन, युवा युवती तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह धरना विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस सुपर के कार्यालय के सामने आयोजित इस धरना विक्षोभ कार्यक्रम के चलते यातायात परिसेवा पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा, लगातार कछार जिले में ऐसे वारदात हो रहे हैं, महिलाओं तथा युवतियों की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान भी लग रहा है। अगर प्रशासन विभाग इस संदर्भ में अहम कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बृहत्तर आंदोलन गठित किया जाएगा। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान यदि पुरुष, महिला, युवक, युवती सभी ने राजमार्ग के मिट्टी पर बैठकर हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर जल्द से जल्द रियादास हत्याकांड से जुड़े बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तार तथा मूल आरोपियों की फांसी की मांग की। बाद में पुलिस सुपर ने इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विस्तारित खुलासा भी किए। আন্দোলন চলছে চলবে, এই দাবিতে আন্দোলন চলছে চলবে, জিন্দাবাদের হত্যাকারীর অবিলম্বে ফাঁসি চায়। अनरूली मॉब वॉज देयर, उसको डिस्टर्ब करने के लिए नॉन लीथल वेपन फायर Oh my God!
एनएफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न दफा मांगों को लेकर एक विक्षोभ रैली निकाला। सूत्र के अनुसार 16 सितंबर को कई दफा मांगों को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ रैली निकालकर इलाके के कई क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने रेलवे विभाग के निजीकरण तथा कई क्षेत्र में कई कॉलोनी को बिक्री किए जाने के मुद्दे पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। सुचारू पेंशन प्रदान, बोनस प्रदान सहित कई और मांगों को लेकर जिन कार्यकर्ताओं ने इलाके के कई क्षेत्र का परिक्रमा कर बाद में पत्रकारों के समक्ष अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। आंदोलन सारा भारतवर्षेर आंदोलन, এই আন্দোলন এনএফ রেলওয়ে সারা ভারতবর্ষে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের আন্দোলন। তাই আমরা বলছি গত 13 সেপ্টেম্বর 2021 থেকে 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের সারা ভারতবর্ষে এই আন্দোলন চলবে। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের সরকারের যে শ্রমিক বিরোধী নীতি, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কার্যকলাপ করে যাচ্ছে সেই বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি এবং আগামী দিনে লড়ব। আপনারা জানেন, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, রেলকে প্রাইভেটাইজেশন করছে, প্রাইভেটাইজেশন করে সমস্ত ট্রেন বিক্রি করে দিচ্ছে, ইভেন কি রেলের পাত বিক্রি করছে। কিছুদিন আগে দিল্লিতে 7টা রেল কলোনি বিক্রি করে দিয়েছে, 7টা রেলের কলোনি বিক্রি করে দিয়েছে। এইভাবে সমস্ত আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন করব। আমাদের রিসেন্টলি দিল্লিতে 7টা রেল কলোনি বিক্রি করে দিয়েছে, বিক্রি করতে করতে সব কিছু শেষ করে দিয়েছে, এখন কলোনি বিক্রি করা শুরু করে দিয়েছে। আজকে আমাদের জবাব দিতে হচ্ছে রেল কর্মচারীদের কাছে। রেল কর্মচারীরা নিজেদের কোয়ার্টার রিপেয়ার করার, কোয়ার্টার ভাঙ্গা, যে কোয়ার্টারে ওদের থাকার কোনো ব্যবস্থা নাই। আমরা বারবার হাল্লা করছি, আমরা এখানে আমাদের ডিভিশনের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছি, বলতেছে আমরা তো আমরা আমাদের আমরা কাজ করছি কিন্তু স্যাংশন নেই, আমরা কী করব, আমাদের ফান্ড নাই, আমরা ফান্ড না থাকলে আমরা কী করে কাজ করব, আমরা তো কাজ করতে পারবো না। আমাদের করিমগঞ্জ জেলে কে ব্রাহ্মণ শাসন গ্রামে কই ক্ষেত্র সে টেট ইমতিহান মে জুটে ছাত্র ছাত্রাওঁ কো তথা পরীক্ষার্থীওঁ কো সুচারু পরীক্ষা কেন্দ্র মুহিয়া করবায় জানে কে মাঙ্গ পর विक्षोभ प्रदर्शित किया गया। इस संदर्भ में स्मारक लिपि भी प्रशासन को प्रदान किया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई छात्र संगठन तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। अपनारा निश्चय अवगत आद्य घोषित आसाम टेट जो घोषणा कर परीक्षा देवर करमगंज जिला अनेक छात्र छात्री प्रस्तुति निच्चन इतिमदे कितु विगत दो दिन आगे घोषणा होट परीक्षा केंद्र टेट आसाम टेट परीक्षा केंद्र গোরাকের মধ্যে একমাত্র শিলচরে দেওয়া হয়েছে, খাসার খাসার ডিস্ট্রিক্টে। করিমগঞ্জ এবং খাইবাগান তার থেকে বঞ্চিত। আমরা বিগত দিনে দেখেছি বারবার মানে বিভিন্ন বিষয়ে করিমগঞ্জকে বঞ্চিত রাখা হয় এবং করিমগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন পরীক্ষার্থী, অনেক অনেক পরীক্ষার্থী উপস্থিত হওয়ার সত্ত্বেও, অনেক পরীক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও করিমগঞ্জ জেলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কোনো পরীক্ষা কেন্দ্র দেওয়া হয়নি। তাই আজকে আমরা অলরেডি স্টুডেন্ট ফেডারেশন পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে আমরা আবেদন রাখবো যাতে অতি সত্বর আমাদের করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে একটি টেস্ট সেন্টার দেওয়া, এক্সামিনেশন সেন্টার দেওয়া হয়, নতুবা আমরা অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশন বৃহত্তর গণ আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাব। এক কারণ আমরা এখন আমাদের অধিকারটা ছিনিয়ে নেওয়া শিখে নিয়েছি, আর অধিকার যতক্ষণ পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মনে করি এই সরকারের আমলে কখনোই আমরা আমাদের অধিকারটাকে পাবো না। ধন্যবাদ। আনে বলে 17 সেপ্টেম্বর কো বরাকভেলি সহিত উত্তর পূর্বাঞ্চল কে কই ক্ষেত্র মে মেগা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প কার্যক্রম আয়োজিত কিয়া যা রা হ্যায়। কাছাড় কে জেলা উপায়ুক্ত কীর্তি জলি নে সবি স্তর কে লোগোঁ কো ইস মেগা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প মে ভাগ লেনে কে লিয়ে অপিল কিয়ে হ্যায়। পত্রকারোঁ কে সাথ বাতচিত কে দৌরান উন্হোঁনে ইস সন্দর্ভ মে বিস্তারিত খুলাসা ভি কিয়ে। নমস্কার, 17 সেপ্টেম্বর হামারে পুরে কাছাড় জেলা মে মেগা ভ্যাকসিন ক্যাম্প হোনে ওয়ালা হ্যায়। ইয়ে এক মহত্বপূর্ণ স্টেপ হ্যায়। हमारे सेकेंड डोज जो काफ़ी लोगों को नहीं मिला है, अभी भी बहुत गैप है, उसको कवर करने के लिए हमारा टारगेट 50,000 वैक्सीन देने का है। उस दिन मैं सभी को आह्वानित करती हूँ, स्पेशली 16, 17, 18 जून को जिन्होंने फर्स्ट डोज कोविशील्ड वैक्सीन या कोवैक्सीन जो भी लिया है, उन तीनों दिनों का आपका एलिजिबिलिटी 17 तारीख से शुरू होता है। आप सभी को मैं आह्वानित करती हूँ, आपके मोबाइल पर मैसेज भी आया होगा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, प्लीज़ गो टू द सेंटर जहाँ पे आपने पहला डोज लिया है, उसी सेंटर में वापस जाइएगा, आपको सेकेंड डोज मिलेगा। सुबह से लेके शाम तक ये वैक्सीन प्रोग्राम है, प्लीज़ गो अर्ली ऑन सो दैट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड आप सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सेकेंड डोज जल्दी लेने से एक अच्छा हेल्थ साइकिल मेंटेन कर सकते हैं। सो प्लीज़ 17 सेप्टेम्बर
प्लीज़ आइएगा आपके नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर में जहाँ पे आपने पहला डोज लिया है और वहाँ पे आप सेकेंड डोज ले लीजिएगा। आप सभी को स्वस्थ रहने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। असम गण परिषद उधारबंद शाखा के कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा उधारबंद के विधायक मीर कांति सोम के साथ मुलाकात कर उन्हें संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उधारबंद क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा उन्नयन व प्रगति की गतिविधियों के साथ जुड़े रहने का अपील भी किया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ विधायक मीर कांति सोम ने भी अपने मतों का बखान किए। हमारे केंद्रीय कमिटी आदेश अनुसार उधारबंदी श्रीजुक्त विधायक मीर कांति सोम सहित सौजन्यमूलक साक्षात करा है। तार विधायक साक्षात करे आगामी दिन कि भावे हमारे उधारबंदी उन्नयनमूलक काजे स्थानान्तरित करिया दुई दल बीजेपी एवं एजेपी मिले काज करार जन्नो आमरा आमादेर विधायकेर सहित आलाप आलोचना करा हय। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराघाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर बाजार में जोरों पर खरीदारी करते लोगों को देखा गया। प्रतिमा विक्रेता तथा मृत शिल्पियों के बीच भी उत्साह की माहौल देखने को मिली। काफी देर रात तक लोगों को बाजार में मौजूद रहकर अपने अपने खरीदारी में जुटते देखा गया। हालांकि विश्वकर्मा पूजा को केंद्रित कर प्राकृतिक वातावरण सही रहने पर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। विश्वकर्मा पूजन को केंद्रित कर बाजार में लोगों को जमकर खरीदारी करते देखा गया। फलों के दुकान तथा प्रतिमा के दुकान व दूसरे कई जरूरतमंद सामानों के दुकानों में लोगों की भीड़ उपस्थित देखा गया। सिलचर के मालुग्राम क्षेत्र में कछार स्कूल में आधार कार्ड केंद्र में कर्मचारी सही वक्त पर न पहुंचने पर लोग परेशानी झेल रहे हैं। दूर दराज से आए लोग जब स्कूल में आधार कार्ड बनाने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर कर्मचारी मुहैया नहीं होते। सूत्र के अनुसार कुछ महिलाएं इस क्षेत्र में दायित्व तो पालन कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर परिसेवा से जुड़े कार्यकर्ता व दूसरे कई कार्यकर्ता हर रोज मौजूद न होने पर लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। চার পাঁচ দিনে পাই দিবেন কম্পিউটার চার্জ বলে 100 টাকা লাগে। তো আমি দিচ্ছি আমার ইয়ে করিয়ে দিছে হচ্ছে ওটিপি আইলে আপনি আইবেন সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবেন। ওটিপি আইছে দেখাইলাম যে ওটিপিও আয় না তারা বলে আইতে চায় না। আজকে আইছে ওটিপি এতদিন হয়েছে 5 মানে 12-13 দিন হয়েছে এখনো আজকে আইছে আজকে নাই তারা কেউ কাজে আমার তো এই 6 তারিখে ইয়ে করা আর 6 তারিখ আজকে হলো 16 তারিখ। সমাচার হলো এক ছোট সা বিরাম। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে ছোট বড় যে বাড়ি নতুন পরিচয় আরেক নাম।
ভ্যালি সিমেন্ট, ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारों सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट, वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, पिछले दिनों तपोवन नगर क्षेत्र में हुए हंगामा कांड को लेकर तथा 16 वर्षीय युवती की हत्याकांड की वारदात को लेकर शिल्स के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने शोक संतप्त परिवार सदस्यों को अपना सहयोग प्रदान किया, साथ ही परिवार के प्रति अपना संवेदना भी ज्ञापन किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन दिया और इस संदर्भ में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने के साथ साथ पीड़ित परिवार को सरकारी सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन भी दिया। गतकाल के जो घटना घटे से अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना, आज के छोटो मेटार बडी पावा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर और पोस्टमर्टम रिपोर्ट अपना लक्ष्य कर गतकाल के पोस्टमर्टम रिपोर्ट एस मार्डार बोले सेखाने कोनो उल्लेख नहीं। तो तादेर सैटिस्फैक्शनर जन्य, समाजेर सैटिस्फैक्शनर जन्य पुलिस प्रशासन पक्ष थेके आरेकबार एखाने पोस्टमर्टमेर जन्य बला हयेछे। तो इतिमध्ये सेटा इन्वेस्टिगेशन चलछे, सेटा एसपी महोदय बोलबेन। तो आमी भाबी जे एखाने पार्टटा एखाने आमी बोलछि ना उनादेर व्यक्तिगत ब्यापार, उनारा इन्वेस्टिगेशन करछेन पुलिस प्रशासन, किन्तु एसपी महोदय जतटुक पारेन चेष्टा करछेन। गतकालके आपनारा जानेन जे सीएम सारेर एकटा भिजिट आगामी 18 बा 19 तारीख होबे, সেটা নিয়ে ভুবন পাহাড়ে সিএম স্যার এসেছেন, সেখানেও পুলিশ প্রশাসনকে কাজ করতে হচ্ছে। তো একটা আনওয়ান্টেড সিচুয়েশন হয়ে গেছে, সেটার জন্য আমি ভাবি না যে পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতি রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন যতটুক সম্ভব ওনারা চেষ্টা করছেন কাজ করার জন্য। শিলচরকে জেলা ক্রীড়া সংস্থান মে জেলা ক্রীড়া সংস্থানকে সভাপতি বাবুল হোড়কে উদ্যোগ সে আরজি বরুয়া প্রতিযোগিতা মে রানার্স আপ দলকে সম্বর্ধনা প্রদান করে সম্মানিত কিয়া গিয়া। এস দিন বাবুল হোড় কি ওর সে হরেক খিলাড়ি কো এক ট্র্যাকস্যুট প্রদান কিয়া গিয়া। সূত্র কে অনুসার আরজি বরুয়া क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में रनर्स अप होने पर सिलचर दल को यह ट्रैकसूट प्रदान किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबुल होड़ ने अपने मतों का बखान भी किए। আজকের এই অন্যরকম একটা অনুষ্ঠান আমরা দেখতে পেলাম, ক্রীড়াবিদে আপনি উৎসাহ দিচ্ছেন এবং ট্যাক্সুট বিতরণ করলেন, কি বলতে চাইবেন তাতে? না, আমরা যখন আন্ডার 16 টিমটা গঠন হয়ে খুব প্র্যাকটিস করে যখন আরজি বড়ুয়া খেলতে যাচ্ছিল, তখন আমি আর আমার সম্পাদক বিজয়েন্দ্র প্রসাদ সিং বলেছিলাম যে ওরা চ্যাম্পিয়ন হলে তোমাদেরকে আমরা পুরস্কৃত করব। যাই হোক, ওরা রানার্স আপ হলো, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে ট্র্যাক স্যুট দিলাম। আগামী দিনে কী স্বপ্ন দেখছেন তাদের? আমরা আগামী দিনে থেকে আমরা চাই আরেকবার আমরা আন্ডার 16 আন্ডার 19 চ্যাম্পিয়ন হয়ে নুরুদ্দিন আবার চ্যাম্পিয়ন হতে চাই। আমরা পথ আরেকবার নুরুদ্দিন যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, খেলোয়াড়দেরকে ব্লেজার এবং 25,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। ধন্যবাদ। असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देवानी ने बराक सफर के दौरान आखिरकार करीमगंज जिले के पथारकंडी समष्टि के मानिकबंद इलाके का दौरा किया और कई जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। मानिकबंद के सेंट जोसेफ स्कूल के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में उनके सहयोग के रूप में चार क्षेत्र के विधायक डी महासाव के नंदिता गालोसा, बराक घाटी के लखीपुर समष्टि के विधायक कौशिक राय, राथावाड़ी के विधायक विजय मलाकार, पथारखंड के विधायक किशनदु पाल मौजूद थे। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में करीमगंज के जिला उपायुक्त खरगे शेरपे भी मौजूद रहे। सूत्र के अनुसार भाजपा पथारखंड लोहाईपा मंडल ब्लॉक सभापति मानिक सिन्हा, ऋषिकेश नंदी व सेंट जोसेफ स्कूल के अध्यक्ष दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जनजातीय समुदाय के हेडमैन व दूसरे हस्तीगण
अपने अपनी ओर से कला संस्कृति का कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। बाद में अपने वक्तव्य में विश्वजीत देवानी ने लोगों को प्रेरित भी किया। रेखा, रास्ता, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, ऐसे बड़ा बड़ा काम करते रहने से ही नहीं होगा। हमारे यहाँ के रहने वाले जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग है, खिलौंजिया लोग है, जो जनजाति है, ट्राइब है कि नहीं, हम किसी के साथ मिल नहीं सकता है, किसी के साथ हम एक साथ रहकर कोई नया काम में हम लोग जोर नहीं सकता है। हम सिर्फ अपने स्टाइल में हो ना हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, है कि नहीं। अब ये खाने में क्या लाया इतना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वां जन्मदिन के अवसर पर कछार जिले के भाजपा ऑफिस में उनकी दीर्घायु कामना कर कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। इस अवसर पर कछार जिले के हर एक मंदिर में इस दिन पूजा अर्चना व दूसरे कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस कार्यक्रम को लेकर आयोजित कार्यकर्ता तथा अमीय कांति दास ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। उनका कहना था कि ऐसे प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्र को आज तक नहीं मिला है। मोदी जी के कार्रवाई के चलते आज देश उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है। इस दिन उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए लोग पूजा अर्चना में जुटने की तैयारी में जुटते देखे गए। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर पुलिस प्रशासन के उद्योग से तथा खुफिया सूचना के आधार पर शाम 4 बजे एएसआई प्रशांत सिन्हा के नेतृत्व में रातावाड़ी विधानसभा समष्टि की ईशान चौड़ा पुलिस हाउस पोस्ट के सामने से एक अल्टो गाड़ी से 15 ग्राम ड्रग्स के साथ मैना मियां नाम के ड्रग्स सरबराहकारी व काले कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। रामकृष्ण नगर पुलिस की सफलता के चलते कई जानकारी सामने आया है। हाइलाकांदी जिले से आल्टो के जरिए रामकृष्ण नगर जाने के दौरान इस पकड़े गए अपराधी का नाम मैनुल हक बताया जा रहा है, जिसका उम्र 59 साल बताया जा रहा है। पिता का नाम उस्तर अली बताया गया है। रामकृष्ण नगर इलाके के ईचा खावरी गांव में प्रमुख तौर पर यह व्यक्ति रहता है। गौरतलब है कि AS24A5822 नंबर के आल्टो गाड़ी के जरिए मैनुल हक रामकृष्ण नगर क्षेत्र से यह ड्रग्स लेकर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर इसे धर दबोचा। इस कार्यक्रम में आईबी ब्रांच के कर्मी रिपन पाल, सीआई चंद्रधर दास व पुलिस प्रशासन के दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। रातावाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रग्स के काले कारोबारों पर पाबंदी डालने के लिए प्रशासन पिछले कई महीनों से प्रयास कर रही है और पुलिस प्रशासन की दिन रात की मेहनत के चलते कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रग्स के कारोबारी व ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। ড্রাগস যেটা অর্থাৎ ব্রাউন সুগার যেটা রামকৃষ্ণ তারা থানায় রিকভারি করছে, এটার ব্যাপারে আপনার একটু মতামত দিন আপনার। আজকে তো আমার একটা গোপনীয় সূত্রে আমি, যেটা আমার রিলায়েবল সোর্স, আমি জানব পারছি যে হাইলাকান্দি থেকে আমি গ্রামে রেস করিল। গাড়িটা যে ধরেছেন আপনারা, এই যে কারটা, এই কারটা কোথা থেকে এসেছে? এই যে কারটা ধরেছেন আপনারা, যখন আমি গাড়ি নাম্বারটা আমি গোপনীয় সূত্র পাইছে, যেটা দেখছি এটা গাড়ি আমি যখন পুলিশে আমি এটা থামাব দিছে, তখন এই ড্রাইভার ভাগিয়া গুছি গেছে খেতরে। SDPO লক্ষীপুর তথা ওসি জিরিঘাট কে খুফিয়া সূচনা কে আধার পর নিউ খয়ারবন্দ ইলাকে সে এক ব্যক্তি কো ড্রাগ সমেত গ্রেফতার কিয়া গিয়া। পকড়ে গয়ে ব্যক্তি কা নাম লাল রামথাং হামাল বতায়া জা রাহা হ্যায়। ইনকে পাস সে কুল 135 গ্রাম হেরোইন साबुन के केस के अंदर से जब्त किया गया है। गौरतलब है कि अक्सर इस क्षेत्र में ड्रग्स के व्यापार जोनों पर चल रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई के चलते आखिरकार ड्रग्स के व्यापार पर धीरे धीरे पाबंदी आ रही है। SDPO लखीपुर तथा जिरीघाट पुलिस के प्रयास के चलते एक बार फिर से
बड़े पैमाने पर ड्रग्स जब्त किए गए। कछार जिले के दूधपादेल क्षेत्र में स्वामी जी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से मालिनीबेल क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी की हत्याकांड के विरोध में एक विक्षोभ जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में पुरुष, महिला, युवक, युवती व दूसरे कार्यकर्ताओं ने भाग लेते हुए कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। जिला प्रशासन से जल्द अपराधियों की गिरफ्तार किए जाने का मांग किया गया। साथ ही आने वाले दिनों में ऐसे वारदात न होने पर पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई व निगरानी रखने के लिए भी लोगों ने अपील किया। इस संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष स्वामी जी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা সবাই অবগত আছি, বিগত কয়েকদিন ধরে একটি মেয়েকে কিডন্যাপ করে কয়েকটি ছেলে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং কয়েকদিন পরেই আমরা ওর মরদেহটা আমরা দেখছি বরাক নদীতে ভেসে উঠেছে। তাই আমরা আজকে স্বামীজি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেয়াদাসের ফ্যামিলির সঙ্গে আছি এবং থাকবো। আর যদি প্রশাসন এই পদক্ষেপে চুপ থাকে তাহলে আমরা আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন করে যাব। এটাই বলে আমি শেষ করছি। আমরা একটাই চাই, প্রিয়াদাসের হত্যাকাণ্ডের আমরা মৃত্যু কামনা করি। এতটুকু বোন, হিন্দু বোন, প্রিয়াদাস 6 দিন আগে থানাতে এন্ট্রি করা হয়েছিল নিখোঁজ। 6 দিন পর গতকালকে ওর ডেড বডি, 6 বছরের শিশুর সঙ্গে, আজকে হচ্ছে 16 বছরের শিশুর সঙ্গে, প্রশাসন এখনো কোনো দুজনকে অ্যারেস্ট করেছে। সমাচারও কে অন্তমে বরাক বার্তা কি সুরখিয়া একবার ফির। सीकर के मालिनीबेल क्षेत्र में 16 साल के लड़के की हत्याकांड की वारदात को लेकर AIDSO छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस सुपर के कार्यालय के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन। विभिन्न दफा मांगों को लेकर NF रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया विक्षोभ रैली, कई क्षेत्र का परिक्रमा कर राज्य व केंद्र सरकार से मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। करीमगंज जिले के ब्राह्मण शासन गांव में कई संगठन कार्यकर्ताओं ने टेट के इम्तिहान केंद्र करीमगंज जिले में आयोजित किए जाने का किया मांग, समस्याओं के बारे में दिया जानकारी। आने वाले 17 सितंबर को बराक घाटी के सभी स्तर के लोगों को मेगा वैक्सीन कैंप में भाग लेने के लिए कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने किया अपील। सभी स्तर के लोगों के सुस्वास्थ्य का किया कामना। उदालपुर विधानसभा केंद्र में असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक वीर कांति सोम को दिया गया संवर्धना, इलाके के उन्नयन में हर प्रकार के सहयोग किए जाने का किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।